तो यार रिसेंटली मेरे साथ एक किस्सा हुआ जिसमें मेरे को एक रिक्रूटर ने अप्रोच करा थ्रू अ फोन कॉल. उसको मेरा नंबर लिंक्डइन से मिला था एंड ही सेड कि आई हैव अ रियली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड वुड यू बी लुकिंग टू एक्सप्लोर. उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, कंपनी क्या है, क्या करती है. उसने सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह पूछी एंड बताई कि क्या सैलरीज ऑफर हो सकती है. एंड इट वॉज रियली टेम्पटिंग ऑफर, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया बिकॉज आई एम रियली हैप्पी एट माई करंट जॉब. आई डोंट वॉन्ट टू स्विच. मेरे को काम पसंद है, मेरे को टीम पसंद है एंड आई वॉन्ट टू ग्रो इन दिस कंपनी. तो मैंने उसे उस टाइम मना कर दिया, बट ही वॉज रियली परसिस्टेंट. मैं भी परसिस्टेंट था, मैंने मना करा उसे. इन दी एंड ही सेड कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप क्या दे सकते हो, यानी कि आप किसी दोस्त को जानते हो, किसी को जानते हो जो कि जॉब स्विच करना चाहता है, एंड कैन यू गिव हिज नंबर, शेयर हिज कॉन्टैक्ट, आई विल स्पीक टू हिम. तो मेरे को एक दोस्त पता था जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ चेंज. तो मैंने उस बंदे का नंबर दिया उस रिक्रूटर को. उनके आपस में बात हुई, बट थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त का मैसेज आया कि उस रिक्रूटर ने मुझसे बात करी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फिर फाइनली कि हुआ नहीं हुआ. तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछता हूँ रिक्रूटर से. मैंने रिक्रूटर को मैसेज करा, व्हाट्सअप करा कि क्या रहा उस बंदे का, मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, क्या आप उसे ऑफर करने वाले इंटरव्यू या नहीं. तो ही सेड कि आई एम ओनली लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़. तो उस टाइम मेरे को स्ट्राइक हुआ कि यार मेरे को काफ़ी कमेंट्स भी आए थे, मैंने औरों की वीडियोस पे भी पढ़ा था कमेंट सेक्शन में कि हाउ डू वी स्विच फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. उस टाइम मेरे को लगा कि यार ये प्रॉब्लम बहुत रियल है एंड आई शुड टॉक अबाउट इट. तो ये है करंट सिनेरियो, यानी कि रिक्रूटर्स वांट टू गेट कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का रिक्रूटर है तो वो चाहता है कि मेरे को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही कैंडिडेट मिल जाए. एंड मेरे को जो इसका सबसे बड़ा प्रोमिनेंट रीज़न लगता है वो ये है कि रिक्रूटर्स जानते हैं कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम होता है वो ना इतना ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग होता है, ना इतना ज़्यादा उस पर वर्कलोड होता है, यानी कि काम बहुत ज़्यादा नहीं होता. लेकिन जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग काम होता है, डेवलपमेंट काफ़ी तगड़े लेवल की होती है एंड उसमें वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी उससे तो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो इसलिए अगर रिक्रूटर एक सर्विस बेस्ड कंपनी से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में किसी कैंडिडेट को लाता है एंड दैट कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू आइदर परफॉर्म वेल या फिर वो वर्कलोड की वजह से जल्दी छोड़ जाता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड अ अनसक्सेसफुल हायर. एंड क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करती है रिक्रूटिंग एजेंसीज पे एंड हेड हंटिंग पे, तो इसलिए अगर कोई अनसक्सेसफुल हायर होता है तो इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द रिक्रूटर. तो इसलिए रिक्रूटर्स चाहते हैं कि पका पकाया कैंडिडेट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मिल जाए जो कि यहाँ पे ईजिली फिट हो जाएगा. ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग हिचकिचाते हैं टू हायर फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. बट इस चीज़ से वो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स को भी मिस आउट कर जाते जो कि स्विच भी कर सकते हैं एंड काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. जिस दोस्त की मैंने अभी बात करी उसे बहुत ज्यादा आता है, उसे फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, एंड्रॉइड काफी डीप में आती है एंड काफी अच्छी आती है, बट द रिक्रूटर मिस्ड आउट ऑन दैट. तो इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाना जरूरी समझा ताकि मैं बता सकूं कि क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो. ये श्योर शॉट वे तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टू मेक योर स्विच ईजियर एंड टू हैव अ गुड शॉट एट दैट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एट दैट इंटरव्यू दैट यू वांट. तो अब इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं अगर आप अभी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो. तो पॉइंट नंबर वन तो ये है कि आपको अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे करने पड़ेंगे. सीरियसली, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, वो सारे ही DS algo पूछती हैं. उनका 80% DS algo होता है, 20% उनका आपके प्रोजेक्ट्स या फिर डेव पूछ सकते हैं आपका वो जो डोमेन है जैसे कि एंड्रॉयड वेब वगैरह. तो आपको अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स तो काफ़ी अच्छे करने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो वे अराउंड इट. सेकेंड जो पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आपको अपने सर्विस बेस्ड मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा, अपने अराउंड जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है सर्विस बेस्ड का उससे बाहर आना पड़ेगा. बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, अपनी रीच बढ़ाओ लिंक्डइन पे, अपने पोस्ट की रीच बढ़ाओ. गेट इन द टॉप ऑफ द माइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल लाइक टेक्निकल रिक्रूटर्स, लाइक गुड एम्प्लॉयज एट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. अगर वो देखेंगे कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट पोस्ट कर रहा है, अगर आप उनकी नज़रों में आओगे यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ देयर माइंड. उसके बाद क्या फ़ायदा होगा इसका, अगर आप उनसे कोई रेफरल मांगने जाओगे तो दे वुड नो कि हाँ इस बंदे का कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, ये काफ़ी नॉलेजेबल लगता है मेरे को एंड आई शुड रियली रेफर हिम. वो एक बार हिचकिचाएंगे नहीं आपको रेफर करने से, चाहे आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो. दिस इज़ नॉट अ 100% थिंग, बट हाँ साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है टू बी ऑन द टॉप ऑफ समवन्स माइंड.
तो आप अपनी रीच बढ़ाओ, अपना ब्रांड बनाओ, आप लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा पोस्ट करो, एक्चुअल वैल्यूएबल पोस्ट करो, एंड अपनी कोई वेबसाइट वगैरह बना लो, अबाउट मी वाली वेबसाइट, गेटअप पेजेस पे आसानी से बन जाती है, स्टार्ट ब्लॉगिंग, स्टार्ट जस्ट क्रिएटिंग योर ब्रांड, ताकि लोगों को पता रहे कि देर इज़ अ गुड कैंडिडेट आउट देर हु कैन बी हायर्ड टू अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रियली वेल। अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत तगड़े लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। इनफैक्ट मैं अभी तक मेरा कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया जिसमें मैंने कुछ नया ना सीखा हो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चीज़ें काफ़ी जल्दी चेंज होती हैं तो आपको काफ़ी अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो रिएक्ट नेटिव पे काम करती है, पहले मैं एंड्रॉइड पे काम करता था, मैंने कुछ टाइम से एंड्रॉइड छोड़ा है, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे को कभी आता ही नहीं था एंड्रॉइड। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जल्दी चेंज होती हैं तो आपको काफ़ी जल्दी वो पिकअप भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंड्रॉइड में हो तो लर्न अबाउट MVVM, MVP, लर्न अबाउट लाइव डेटा वर्क मैनेजर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ो, कस्टम व्यूज के बारे में पढ़ो, बी गुड एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि जो आप इवेंचुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके करोगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं होंगे, वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उनकी वेबसाइट पे या फिर उनकी ऐप पे या फिर उनके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे, तो आपको डेवलपमेंट ही करनी पड़ेगी। एंड रिक्रूटर्स क्यों हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम है वो इतना डेवलपमेंट हैवी नहीं होता, तो प्रूव देम रॉन्ग, आप डेवलपमेंट हैवी थोड़ा काम करो, अपने डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे करो, एंड वो कैसे करना है उसके बारे में आप बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड काफ़ी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी करो, फिर बी इट इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बी इन वेबसाइट डेवलपमेंट। मैं एंड्रॉयड के परस्पेक्टिव से बोल सकता हूँ क्योंकि आई हैव बीन एन एंड्रॉयड डेवलपर। मैं एंड्रॉयड के बारे में ये बता सकता हूँ कि आप अपनी काफ़ी सारी ऐप्स बनाओ, अपना इंस्पिरेशन आप इंस्टाग्राम वगैरह से ले सकते हो, उनके क्लोन भी बना सकते हो, एंड पब्लिश देम ऑन प्ले स्टोर या फिर APK को लो और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दो, अपने के दोस्तों के साथ शेयर करो, डू समथिंग दैट यू कैन इंक्लूड ऑन योर रेज्यूमे विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। फिर चाहे वो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ओपन सोर्स में आप किसी अच्छी लाइब्रेरी पे कॉन्ट्रीब्यूट करो, इनफैक्ट अपनी अच्छी लाइब्रेरी बनाओ। मैं जब एंड्रॉइड करता था मैंने अपनी लाइब्रेरीज वगैरह बनाई थी एंड पीपल रियली अप्रिशिएटेड दैट। तो आप अपनी लाइब्रेरीज बनाओ, आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, गेट इन फ्रंट ऑफ पीपल, गेट योर प्रोजेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। इससे होगा क्या, एक तो आपका ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ेगी, दूसरा जो मेन चीज़ होगी वो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स बढ़ेंगी, आपको पता लगेगा कि आर्किटेक्चर की क्या वैल्यू होती है, एक अच्छे डिज़ाइन की क्या वैल्यू होती है, आपको आप प्रोजेक्ट मेंटेनेबल कैसे होगा, आप फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रखना चाहिए आपको, आप अच्छी लाइब्रेरीज पढ़ सकते हो जैसे कि डैगर हो गई, बटर नाइफ हो गई, ये तो काफ़ी बाद में आता है, लेकिन आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बेसिकली अच्छा करना है अगर आपको, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने ही पड़ेंगे। अगला पॉइंट आता है कि बिल्ड अ गुड रेज्यूमे एंड पुट एफर्ट्स इन योर एप्लीकेशन। तो आपको लगेगा यार ये तो कितनी ऑब्वियस सी बात है, बट बिलीव यू मी जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने लास्ट कंपनी में काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं एंड मैंने देखा है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके भी रेज्यूमे बिल्कुल अच्छे नहीं होते, उन्होंने डायरेक्टली वर्ड में टाइप कर दिया, ना उसमें प्रॉपर इंडेंटेशन है, ना उसमें प्रॉपर लाइन गैप्स हैं, तो होता क्या है, मेरे लिए मैटर ना करे, लेकिन अगर कोई खड़ूस इंटरव्यूअर मिल गया तो उसके लिए साइकोलॉजिकली काफ़ी मैटर करेगा, वो ज़्यादा इरिटेटेड होगा, एंड आपको नहीं पता कि समवन हैज़ हैविंग अ बैड डे एंड योर बैड रेज्यूमे इफेक्ट्स देम नेगेटिवली। तो अगर एक अच्छा रेज्यूमे होगा तो वो डेफिनेटली आपको पॉजिटिवली हेल्प करेगा, वेर एज अगर एक नेगेटिव रेज्यूमे होगा या फिर एक नॉट सो ग्रेट रेज्यूमे होगा तो वो आपके लिए नेगेटिव इमेज बनाएगा। तो बिल्ड अ ग्रेट रेज्यूमे, बिल्ड अ गुड एप्लीकेशन, एंड ये करना इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन डू इट ईजिली इन कैनवा वगैरह। एंड एक रेज्यूमे कैसे अच्छा करना है उसका मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, आई में फ्लैश हो रहा होगा, उस पर मैंने दिखाया अपना रेज्यूमे एंड मैंने दिखाया कि कैनवा को आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू बिल्ड अ रियली गुड रेज्यूमे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्टार्ट अप्लाइंग एंड अप्लाई एट अ लॉट ऑफ कंपनीज, यानी कि आप वेट मत करो कि कब आपकी DSA परफेक्ट होगी, बिल्कुल बहुत तगड़ी हो जाएगी, या फिर कब आपके पास 10-15 प्रोजेक्ट्स होंगे उसके बाद आप अप्लाई करोगे, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग, और हो सकता है कि आपको रिवर्ट एकदम से आ जाए, हो सकता है आपको रिवर्ट आने में एक महीना लग जाए, तो उसके बीच में आप जितना डेवलपमेंट करना चाहते हो करो, DSA अच्छा करना चाहते हो करो, तो ये मत वेट करो कि मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे मैं तभी अप्लाई करूँगा, देर इज़ नो राइट टाइम टू अप्लाई, जस्ट जब आपको लगे कि हाँ मैं इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, स्टार्ट अप्लाइंग, उनका रिवर्ट आने दो, उसमें आने में एक हफ्ता लगेगा, उस समय में आप अपने DSA और स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने प्रोजेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग कर लो। एंड अगर आप ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करते हो तो उससे होगा क्या कि अगर आपके पास 2-3 कंपनी के ऑफर लेटर होंगे तो आप नेगोशिएट बेटर कर पाओगे, आपको पता होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो इसलिए आप नेगोशिएट बेटर कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर सैलरी। आप किसी को बता सकते हो कि आई ऑलरेडी हैव अ 12 लाख पर एनम ऑफर, क्या आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वो कहेगा
14 लाख कर देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सही रहता है अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हो, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करो एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो इतना ही था यार बस इस वीडियो के लिए कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे अप्लाई करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो लाइक कर देना ताकि और तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।